आपको डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर कैसे इंस्टॉल करना है स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसमीटर से। ये अपना ट्रांसमीटर ठीक है रोज माउंट का है और ये मैनिफोल्ड है ठीक है। ये इक्वलाइजर का है, ये दोनों वाल्व जो है मैनिफोल्ड का है हाई और लो का। ये इक्वलाइजर है, ये हाई और लो का दोनों है। नीचे की टैपिंग हमेशा, ये जो नीचे का टैपिंग आप देख रहे हो ये हमेशा हाई होता है और ऊपर की जो टैपिंग है ये हमेशा लो रहता है किसी भी ट्रांसमीटर में ठीक है। और यहाँ ट्रांसमीटर में एक लिखा रहता है हाई कौन सा है और लो कौन सा है। आप देख सकते हो यहाँ पे H और इस साइड में L लिखा रहेगा, इसके अनुसार आप जो है टैपिंग को लगा सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करते हैं लगाना। इस टैंक में निप्पल ऑलरेडी वेल्ड है, इसके बाद एक वाल्व ताकि कभी आप काम करो तो ये वाल्व अपना बंद करके ताकि इसमें जो है कुछ फ्लो है, पानी है, कुछ हीट है, कुछ भी है तो आउट में ना आने पाए, तो इसलिए हम इसको वाल्व लगाते हैं। वाल्व लगा दिया, फिर निप्पल लगाया और ये कंडेंसेट पोर्ट है। ये पोर्ट हमेशा पानी से भरा रहना चाहिए। अगर ये पोर्ट खाली हो गया किसी कारण से, लीकेज हो गया, तो हमारा ट्रांसमीटर जो लेवल बताएगा वो सही नहीं बताएगा। तो इसको खोल के, डमी खोल के इसके अंदर हम पानी पूरा भरे रहते हैं ठीक है। और ये जो है लाइन, इम्पल्स लाइन जो है ये मैनिफोल्ड के एल में गया है, आप देख सकते हो एल में गया है। और यहाँ पे भी वाल्व से होते हुए ये एच में चला गया, ये ट्रांसमीटर में आ गया है। और जब भी हम ट्रांसमीटर को, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कभी भी अगर हम ट्रांसमीटर को चला रहे हैं जब तक ये लाइन में हम नहीं ले रहे हैं, ये वाल्व, ये वाल्व, ये वाल्व, ये तीनों वाल्व जो है बंद रहना चाहिए। और जब हम इसको लाइन पे लें, कभी भी स्ट्रीम की लाइन मान लो कि है, लाइन पे लें तब इसको हमें खोलना चाहिए ठीक है। ये दोनों ऐसे वाल्व को हम खोल देते हैं और बीच वाला ये इक्वलाइजर इसे बोलते हैं, ये इक्वलाइजर जो है हमेशा बंद रहता है, ये दोनों हमेशा खुला रहता है। अब इस, ये थोड़ा सा बड़ा टैंक है, ये छोटा टैंक था। सारा सब कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी ट्रांसमीटर है, लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है और ऐसे ही लगाते हैं। कंडेंसेट पोर्ट ऊपर साइड में लगाते हैं क्योंकि ऊपर का लेवल कम हो जाता है, और नीचे साइड में कंडेंसेट पोर्ट इसलिए नहीं लगे क्योंकि नीचे का लेवल ऑलरेडी कम से कम इतना तक तो भरा ही रहता है ठीक है। तो हमारा इसमें लेवल कंटिन्यू लिक्विड का तो रहता ही है।